तो देखा जाए ध्यान से देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सुनिए ए और ए एक एलिमेंट बी के एलिमेंट दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही क्या होंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं ए के एग्जाम्पल लिए 1 2 3 4 5 और सेट बी में हम लोग ले लिए 3 4 5 6 7 8 ठीक है ये हमने ले लिया। अब इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन देखिए उसका उल्टा, यूनियन का उल्टा, देखा ना यूनियन का उल्टा ए इंटरसेक्शन बी। अब आइए लेते हैं, अब देखिए कौन कौन है दोनों में कॉमन एलिमेंट है, 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 3 3 कॉमन आ गया तो 3 लिख देते हैं कोई दिक्कत, 4 कॉमन आ गया, 4 लिख देते हैं, 5 भी कॉमन आ गया, 5 लिख देते हैं, और कोई 6 है इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो ये आपका जो हो गया ये हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कोई दिक्कत, आइए एक और लेते हैं, आइए सी सेट लेते हैं हम लोग, लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और एक हम लोग डी सेट लेते हैं, डी सेट लेते हैं ए ई आई ओ यू, कोई दिक्कत, आइए अब सी इंटरसेक्शन डी निकाला जाए, बताइए क्या होगा सी इंटरसेक्शन, आप लोग बताइए कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए, लिखिए कमेंट में टाइप कीजिए, बराबर लिखिए देख रहे हैं तो। अब देखिए कौन कौन कॉमन आ रहा है, ए ए कॉमन आ रहा है, ए आ जाएगा, बी बी आ है इसमें नहीं है, जो कॉमन होगा जो दोनों में आएगा वही लिखेंगे निकाल के, सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई ई नहीं, ई है ई आ गया, आइए एफ नहीं है, जी नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका वेन डायग्राम बना ले, वेन डायग्राम देखा जाए, वेन डायग्राम मान लीजिए कि यूनिवर्सल होता है, इस सेट ए हो गया, इस सेट क्या हो गया बी हो गया, इस सेट आपका ए इस सेट आपका बी, अब दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन क्या होता है ये ना, ये देखिए दोनों का कॉमन है, ये ना दोनों का कॉमन होता है, ये भाग जो होता है दोनों का कॉमन भाग हुआ ठीक है, ये तो आपका ये हो गया ए इंटरसेक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए का देखिए ए का भाग और बी का भी भाग इसमें समाहित है, दोनों इंटरसेक्शन है तो बहुत बहुत होता है लेकिन सब नहीं है, जितना भाग ए का और बी का दोनों मिल रहा है दोनों कॉमन है वही होगा। और सुनिए हाँ कोई एक सेट लेते हैं इसमें और सेट पढ़ने को मिल रहा है, क्या हमने ई एक सेट लिया, देखिए 1 2 3 हमने ई के बाद एफ एक सेट लिया ए बी सी, क्या बताइए ए ई इंटरसेक्शन एफ है, ई इंटरसेक्शन एफ होगा, देखिए तो कोई कॉमन है इसमें, कोई कॉमन नहीं है तो क्या फाइव, इसको हम लोग बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट, क्या बोलते हैं डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट, एक नया सेट पढ़ने को मिला डिसज्वाइंट सेट, क्या पढ़ेंगे इसको डिसज्वाइंट सेट, जब एक दूसरे में अगर नहीं कॉमन आ रहा है ऐसे 1 2 3 कोई हो गया 1 2 3 4 और एक हो गया आपका 5 6 10 ना, तो ये हो गया आपका, तो ये क्या होगा डिसज्वाइंट सेट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डिसज्वाइंट सेट इसको बोलेंगे ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में डिसज्वाइंट सेट है, इसका अगर बनाते हैं हम लोग देखिए यूनिवर्सल हो गया, ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, ए का सर्कल यहाँ होगा बी का सर्कल अलग होगा, क्योंकि भाई कोई कॉमन है ये नहीं है, सेट ए है सेट बी है, इसको बोलेंगे हम लोग डिसज्वाइंट, इसको दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट में, आइए इसको कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, समझ में आ गया, इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज, आइए पहला वही लेंगे क्या कम्यूटेटिव लॉ, क्या लेंगे कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब वही क्या एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, बोलिए एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी पहले अब उसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, सी के साथ, अब अगला में बी इंटरसेक्शन सी पहले और उसके बाद ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो उसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ, क्या बोलेंगे एसोसिएटिव सीएटिव लॉ, लॉ ठीक है। अगला तीसरा जो है हमारा वही ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, फाइ के साथ, तो क्या हो जाएगा ए, और चौथा क्या ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, यूनिवर्सल के साथ, तो हो जाएगा यूनिवर्सल ही हो जाएगा, यूनिवर्सल के साथ ए का ना करेंगे भाई, यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन किसका ए का करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा,
ए हो जाएगा। आगे देखिए पांच रोड निकालेंगे ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो भी ए होगा, हुआ कि नहीं होगा भाई? अयो ये तो फाइव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाइव, ये क्या हो जाएगा फाइव, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ना है, यूनियन थोड़ी ना है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो भाई ए में कुछ है बी में कुछ है ये नहीं है, फाइव है तो फाइव ही ना होगा इसका, तो इसको बोलेंगे लॉफ फाइव, लॉफ फाइव, ठीक है, इसको इसको बोलेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, इसको इसको हम लोग बोलेंगे वही क्या क्या आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पो याद भी नहीं रहता है भाई, टेंट लॉ। एक इसमें नया दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी, इसको बनाया क्या क्या होगा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अब यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, कर गया ए इंटरसेक्शन बी कर निकालेंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किताब में आप लोगों को इसको वेन डायग्राम में बताया है, हम बताते हैं वेन डायग्राम में इसको मिटाया है, समझ में आया इतना बड़े बढ़िया से समझ में आया, ये देखिए थोड़ा देखिए ध्यान से, इधर हम मिटा देते हैं, पॉज कीजिए पॉज कीजिए, तो देखिए करते हैं हम लोग अब इसको वेन डायग्राम, अच्छा एक मिनट इसको देखा जाए, ये होता है ए इंटरसेक्शन सी, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं वेन डायग्राम पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा, इसको सीध करके बताते हैं, किताब में सीध कर ले हम लोग भी सीध कर लेते हैं, देखिए आप लोग पहले क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले बी बी यूनियन सी बनाते हैं, तो यूनिवर्सल हो गया, आप बनाते हैं तीन को डब्बा ए बी सी, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका ए, हो गया बी, हो गया सी, ध्यान से समझिएगा एकदम सर पूरा दिमाग यहाँ रख रखिए, अब बी यूनियन सी, बी यूनियन मतलब क्या होता है दोनों में होना चाहिए, बी सी आप बी और सी को पेंट कीजिए, बी और सी देखिए बी और सी, पूरा बी आना चाहिए पूरा सी आना चाहिए, पूरा बी और पूरा सी, ये हो गया आपका बी यूनियन सी, क्या हो गया बी यूनियन सी। आइए अगला डब्बा बनाते हैं, अब इस सिद्ध करने में आसान होगा, ए बी सी, ए बी सी हो गया यूनिवर्सल, ए बी सी, आइए अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए बी में कौन कौन बना रहा है, ए और बी दोनों में डब्बा में देखिए, ए और बी वाला में सिर्फ ये देखिए यहाँ ए पूरा ए का देखिए ये पूरा ई भाग है और बी का दोनों, क्योंकि ए का ई भी भाग है लेकिन बी में ही नहीं आ रहा है, ये बी में नहीं आ रहा है ए का भाग, ठीक है इतना ही है ए और बी में, तो कहिएगा सर बी में तो ये हो है सर, तो ए में नहीं है, ए में ना है कॉमन इंटरसेप्टर का कॉमन दोनों में आना चाहिए, दोनों का कॉमन, आइए अगला लीजिए, अगला डब्बा ले लिया जाए, अगला डब्बा ले लिया जाए ए बी सी, ए बी सी, ए हो गया यूनिवर्सल हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये बताना जरूरी है आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी में देखिए ए में और सी में यही आ रहा है, ये भाग ही आ रहा है, ठीक है कहिएगा सर ए में तो ये भी है, रे भाई सी में ना ही सी तो यही तो कब्जा कर रहे हैं, कहिएगा सर सी में ये भी है, ए ना आ रहा है इसमें, ए और सी निकालना है, ठीक है आइए अब देखिए तो तीनों बना लिए, अब हम लोग प्रूफ करते हैं किसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए के साथ बी यूनियन सी का, आइए तो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी, आइए हम लोग बनाते हैं अब इसको प्रूफ करते हैं बढ़िया से, ए बी सी, आइए हो गया ये हो गया ए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है ये, बी हो गया ये हो गया सी, चलिए तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पूरा ये है और उसका किसके साथ ए अधि ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के ही ए है ए के साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है, अरे बी यूनियन सी क्या, बी यूनियन सी पूरा है और ए के साथ, तो ए का जितना पार्ट और इसमें आ रहा होगा वही ना होगा, तो देखिए यही ये पार्ट ये पार्ट ए का आ रहा है और तो बी और सी तो इतना घिरा ही है, तो देखिए देखिए ए बी यूनियन सी तो पूरा था ही ना, बी यूनियन सी तो ए का भी भाग आ गया, तो ये हो गया आपका,
कोई दिक्कत, क्योंकि बी और सी इसमें तो ये नहीं आ रहा है, यहाँ बी यूनियन सी का पूरा कमना था, इसमें देखिए बी यूनियन सी पूरा लेना था, लेकिन ए के साथ जितना इंटरसेक्शन ए में जो रहा है वो ना, जितना ए के पार्ट घिरेगा उतना ही ना करेंगे, देखिए ए के पार्ट ए इतना ही तक ही घिर लेता, इतना ही तक हमने, अब बी यूनियन सी तो पूरा यहाँ तक था ही, ठीक कहिएगा सर ये वो लेना जी सब घट लेते यहाँ पे, अरे भाई ए के पार्ट ना आ रहा है इधर, आइए अब अगला कवर क्या होगा, अगला देखा जाए, अगला देखा जाए, अगला क्या है यूनिवर्सल में, ए ए बी सी, ए है बी है और ये सी है, यूनिवर्सल है, आइए अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करना है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ए इंटरसेक्शन बी, अरे ये इंटरसेक्शन बी ना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखिए ये पार्ट है, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी घेर लीजिए पहले इसको, ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट ना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी ए के साथ देखिए ये है ना, अभी दोनों पार्ट मिल रहा है, ये ना कवर कर रहा था हम लोग को शूट करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आई इसको करना था ए इंटरसेक्शन बी, आई यूनियन करना था ए इंटरसेक्शन सी, समझ में आया बढ़िया से, दोनों समझ दोनों से ना थोड़ा छोटा बन गया बड़ा बन गया, लेकिन देख रहे यही पार्ट ना कवर है इसमें, ये पार्ट ना है तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ प्रूव, ठीक है तो इसको पॉज कीजिए, समझ में आया कि ना, पॉज कीजिए नोट कीजिए, चलते हम लोग क्या डिफरेंस ऑफ सेट पे, ठीक है चलिए देखा जाए डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, देखिए लास्ट टॉपिक है छोटा टॉपिक है टेंशन लीजिएगा, डिफरेंस डिफरेंस जानते ना क्या होता है अंतर, देखिए ए डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन द दिस इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी, यानी कोई भी दो सेट ले लीजिए ए और बी, यानी ए के सारे अगर ए डिफरेंस निकालना ए एंड बी का, ए एंड बी का निकला डिफरेंस तो ए के सारे एलिमेंट लिखिए, लेकिन जो बी में बिलोंग कर रहे वो नहीं लिखना है, आइए समझाते हैं, देखिए देखा है थोड़ा, ए कोई सेट लिया 1 2 3 4 5, बी कोई सेट लिया 3 5 7 8 7 9, ठीक है अब निकालना ए डिफरेंस बी, यानी ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे लिखे जाएंगे, ए के जितने एलिमेंट होंगे सारे लिखे, लेकिन जो बी में होंगे वो नहीं, वो जो बी में होंगे वो नहीं, आ देखिए 1 है बी में नहीं है 1 लिखा जाएंगे, 2 है बी में नहीं है लिखा जाएंगे, 3 है नहीं लिखेंगे, 3 को नहीं लिखना है, 4 नहीं लिख लेंगे, 5 है नहीं लिखेंगे, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको, कुछ भी उसका क्या मतलब है, हमको तो ए के पूरे एलिमेंट लिखने थे, अब कहिएगा गुरु जी 7 8 भी लिख दिया जाए, नहीं नहीं लिखना है, क्योंकि क्या कह रहा है कि ए माइनस बी, यानी ए पूरा लिखना है, बी घटा देना है, बी हटा देना है ना, बी वाला को पूरा को सेट कर देना है, चलिए हाँ हाँ अगर ये हो जाए कहीं बी माइनस ए पूछ गए तो बी के सारे एलिमेंट लिखे जाए, बी के सारे एलिमेंट लिखिए, लेकिन ए को घटा दीजिए, ए में जो होगा नहीं लिखिएगा, आइए लिखते हैं बी माइनस ए लिखते हैं, बी बी क्या है आपका, देखिए 3 इसमें नहीं लिखेंगे, 5 इसमें नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है, सिर्फ 7 और 9 लिखाएगा, चलिए इसको हम वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें, देखिए ये हो गया आपका यूनिवर्सल, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये ए ये बी, अब देखिए ए में से बी को घटा रहा है, ए के सभी को कलर कीजिए, लेकिन बी वाला जो बी के पार्ट इसमें जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, तो देखिए ई पार्ट आ जाएगा, ठीक है ये आएगा इसका, कोई दिक्कत है ना, ई का छोड़ दिए भाई, ए के पूरे हम ले रहे हैं लेकिन बी वाला भी तो घुस रहा है ना, बी वाला को छोड़ देना है, बी वाला को हटा देना, हटा दो बी वाला को, आइए इसमें देखिए इसका क्या करेंगे, ए बी बी के सही पार्ट, लेकिन ए वाला भी घुस रहा है इसमें, ए वाला घुस रहा है, छोड़ दीजिए वाला, ए वाला छोड़ दीजिए, ए वाला को छोड़ के ना ना, ठीक है ये हो गया, ये आपका ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, समझ में आया कोई दिक्कत, बढ़िया समझ में आया, तो चल रहे हम लोग एक्सरसाइज पे, क्या अब हम लोग चलते हैं पर, ठीक है तो क्या कीजिए, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, और अगला वीडियो आएगा आपका सेट 08 में, क्या आएगा एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ठीक है तो क्या करें रिवीजन जब तक करते रहें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।